ना बहुत खतरनाक वीडियो बनाते हैं, मजाक है। गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो गाइज हम इस टाइम आ चुके हैं, सो गाइज तो इस टाइम हम अररिया जिला में जो कि बिहार में पड़ता है, और यहाँ पे हैं थोड़ा घूमने और फिरने। और हमारे साथ अंश भाई हैं। ओ हीरो अंश भाई से मिलिए। तो हमारे सपोर्ट में आए हैं अंश भाई और बहुत ही मजा किए हैं, हम मजा करने वाले हैं। इस टाइम हाईवे पे हैं, देख सकते हैं आप लोग, गाड़ियाँ की तो भंडार है गाइज। तो जस्ट अभी आए हैं, अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, फिर आपको पूरा इधर का व्यू दिखाएंगे अररिया जिला का, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिख रहा है। हाईवे तो गाइज पीछे में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, देखिए पूरा व्यू कितना मस्त आ रहा है चारों तरफ से। तो गाइज देख रहे हैं हाईवे, भाई साहब क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। तो गाइज इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, और हाईवे तो पीछे में भाई मज़ा आ गया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसा हाईवे लग रहा है, पर पूर्वांचल एक्सप्रेस इससे ज़्यादा चौड़ा है ना। तो गाइस तो आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, ट्रेन में बैठे बैठे पैर दर्द हो गया है, पूरे शरीर में दर्द, ऊपर से शरीर हिल भी रहा है गाइस। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दे गाइस, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। सो गाइस उधर मार्केट, उधर ही से हम लोग आ रहे हैं। अभी ऑटो वाला चूना लगा दिया है, कह रहा है कि उधर बस स्टैंड है, और फिर दूसरों से पूछें तो वो बता रहे हैं इधर बस स्टैंड है। नहीं पता रहता तो यही करते हैं सर, यही सब करते हैं ये लोग। सो गाइस तो यहाँ पे तो गाड़ियों की भंडार आ रही है, देख रहे हैं गाइस बड़े बड़े ट्रक। अरे हीरो 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 मजा आ गया गाइस, अभी तो पूरा घूमेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। देख रहे हैं कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। ओ भाई साहब, तो गाइस तो बड़ी देर घूमने के बाद तो हम लोग एक होटल मिला है, जहाँ की रात हो गया ना, तब रुकना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं आपको एक आध दो दिन में पता चल जाएगा हम दोनों लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। और होटल तो मिल गया है, और चलिए आपको होटल दिखाते हैं कैसा होटल मिला है। वैसे एक रात की बात है, तो मतलब नॉर्मली होटल चाहिए था हम लोग को, तो वैसे रुकने का विचार नहीं था। अगर ट्रेन लेट नहीं हुई होती तो हम लोग रिटर्न भी हो गए होते, तो रूम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती मतलब होटल। और चलिए आपको दिखाते हैं होटल क्या है। आप फिर होटल में जाएंगे तो नहाएंगे, मतलब फ्रेश व्रेश होंगे, शरीर पूरा हिल रहा है क्योंकि बैठे थे ना ट्रेन में, इतना झटका दे रहा था ना, काहे बताया दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं होटल कैसा है। देखिएगा जी सामने जो जायसवाल होटल दिख रहा है ना, इसी ये इसी में लिए हैं रूम। सो गाइस तो जैसे इसी लाइटों कट गया, एक बात ना जी लाइटों कट गया ना, चलिए छत पर चलते हैं। सो गाइस तो रूम नंबर 104 है, इसका बालकनी देखिए, और ये रहा रूम। रूम का डिज़ाइन तो अंदर से भाई बहुत ही मस्त है, और ये सिंगल बेड है, खिड़की दरवाज़ा पर्दा सब चीज़ है, बोर्ड पंखा, यही बस रात भर की बात है। और फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सुबह होते ही 5 बजे तक, और ये छत पर चलते हैं। सो गाइस ये रहा बालकनी, देख रहे हैं दरवाज़ा भी मस्त मस्त लगा है। ओ भाई साहब, ओ भाई ओ, ओहो लाइट आ गया, चल बाहर चलो छत पे चलते हैं। छत पे चलेंगे, छत पे सहेंगे तो चलेंगे ना, निकाल लो रिलीफ मिलेगा। रुके गाइस चल रहे हैं आपको छत पे लेके। अब रूम लेने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलो आ चलते हैं, छत का आपको नज़ारा दिखाते हैं, बहुत ही मस्त है। दो कैटेगरी का रूम है, एक मतलब महंगा है, एक सस्ता, एक फैमिली वाला भी रूम मिल जाएगा जैसा चाहेंगे वैसा। ओ भाई साहब ये देखिए गर्मी वाला, ये तो सबसे बेस्ट है। वो देखिए सामने हाईवे, भाई साहब देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, वाह यार क्या नज़ारा है यहाँ का। इस समय हम रानीगंज रोड वाले पे हैं, यहीं पे होटल था तो यहीं पे ले लिए। आसपास आपको बस होटल ही होटल दिखेंगे यहाँ पे। जिस होटल में हम लोग हैं उसका नाम जायसवाल होटल है, आपको दिखाई है शुरू में। सो गाइस तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं गाइस फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या? हाँ लाइट है।